इंदौर में डर्टी राजनीति आग लगा दूंगा। सुनिए क्या कहते हैं वो नेता जिन्हें आप और हमने फर्श से अर्श पर बैठाया। कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनिए जो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता FIR दर्ज करवाने भी पहुंच गए। शाम को दिग्गी नेता ने भी करारा जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना। आइए आपको सुनाते हैं नेताओं के विवादित बयान। मतलब हम राइटिंग में पत्र दे रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, इतने बड़े अधिकारी हो गए क्या? उनको समझना चाहिए कि वो जनता के नौकर हैं। मेरी जानकारी क्या मुझसे कोई चर्चा में आपसे किसी को वैसे नहीं होगी। या सलीम प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं। अब यूं भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर हैं शहर के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तो हमारे संगीत पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं। अब यूं भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर हैं शहर के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिल्कुल तो हमारे संगीत पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी बौखलाहट में इसलिए बौखला गए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया, उन माफियाओं में से कई कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थक भी हैं, इससे वो बौखला गए हैं। और जो धरने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं शहर में आग लगवा दूंगा, तो ये उनकी बौखलाहट है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के अच्छे काम से वे घबरा गए हैं, और घबराकर जो जिस तरीके का उन्होंने आज जो बयान दिया है वो निंदनीय है, और उसके साथ ही उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने शहर में आग लगाने की धमकी दी है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है और एक व्यक्ति को अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो पुलिस प्रकरण दर्ज करती है। हमने उसी संबंध में आज जो है लिखित रिपोर्ट यहाँ CSP साहब और थाना प्रभारी संयुक्तागंज के पास हमने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शहर में आग लगाने की धमकी का प्रकरण दर्ज किया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच करेंगे, जाँच करके उचित कार्रवाई करेंगे। मैं देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विकास के। कसूर नहीं है ये, बचपन से इन्हें हिंसा और नफरत का रास्ता सिखाया जाता है और उसी से राजनीति करते आए। मेरे पार्टी का मायका नीचे कर, आशीष नीचे कर जी। सर कल से वो परिवार से लोगों से मिलने का भी अभियान चला है, सीए को लेकर, समझाइश के समर्थन को लेकर। हम तो केवल एक बात जानना चाहते हैं कि NRC के बारे में मोदी जी कुछ कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ कहते हैं, नड्डा जी कुछ कहते हैं, NRC भारतीय जनता पार्टी ला रही कि नहीं ला रही, हम कितना जानना चाहते हैं। सर ननकाना साहिब में जो सिखों पर हमला हुआ उसमें, और जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुरक्षा के लिए किसी के निजी जीवन के बारे में हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ये आपको प्रश्न करना है तो जिसने लिखा उससे करना चाहिए। सेवा दल ने थोड़ी लिखा जी, वो तो डोमिनिक लेफ्री ने जो किताब लिखी है उनसे पूछना चाहिए आप। सर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं कमर के नीचे की राजनीति नहीं करता, और मैंने इंदौर सहित पूरे प्रदेश में 167 लोगों की लिस्ट बना रखी है, जो अभी जो प्रधानमंत्री ने अपने जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई चालू की उनको लेके बोला। हताश और भटके हुए हैं कैलाश जी, कलाकार जी, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं।
पूरी कांग्रेस ने उस बयान की निंदा की और उन्होंने कहा है कि ये उनकी आरएसएस और भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। कार्रवाई होना चाहिए जो कल उन्होंने नियम और कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए चाहे कोई भी। चलो थैंक यू। नमस्कार, कल 5 जनवरी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, देश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, कल हम सबको जनसंपर्क करना है, परिवारों में जाकर परिवार संपर्क करना है। नागरिक संशोधन विधेयक के विषय में जिस तरीके से विपक्ष ने समाज को भ्रमित करने की कोशिश की है, हमें उस भ्रम को दूर करना और ये बताना है कि ये नागरिक संशोधन विधेयक उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, ये सब लोग अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, अपनी जिस तरीके से धार्मिक प्रताड़ना उनको मिली है वो हमारे देश में शरण लेना चाहते हैं। उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला यह विधेयक है। इससे किसी की भी सदस्यता को खतरा नहीं है, पर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने गैर जवाबदार तरीके से समाज को भ्रमित करने की कोशिश की है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम परिवार संपर्क के माध्यम से इस विधेयक की वास्तविक स्थिति से सबको परिचय कराएं। कल से अभियान प्रारंभ हो रहा है, हम सब जाएंगे, कम से कम 25 परिवार से प्रतिदिन अवश्य मिलेंगे। आप सबसे निवेदन है इस अभियान में बहुत ही गंभीरता से सब हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।